हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो आज हम पढ़ेंगे हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस मतलब थिकनेस, ओके, मतलब मोटा। तो कभी भी आप आपके हैंड को कोई डिफरेंट मटेरियल से प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि जो हार्ड मटेरियल है वो इजीली हमारे हैंड में घुसेगा नहीं, मतलब हमें बहुत जोर का दुखेगा, मतलब पेन होगा हमारे हैंड में, है ना। अगर हम सॉफ्ट मटेरियल डालेंगे जैसे कॉटन, स्पॉन्ज, ऐसे मटेरियल्स डालेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, तो हम और अच्छा डालेंगे, है ना। तो कभी भी जो पीस ऑफ स्टोन, कोई पीस ऑफ स्टोन हो या तो कोई एल्यूमिनियम, वुड, कोई सरफेस है पीस या मेटल कोई है, तो कोई भी पीस ऑफ स्टोन ऐसा कुछ चीज़ है, तो कैंडल है, चॉक है, नील है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मटेरियल है वो स्क्रैच हो सकता है कम कोई दूसरे इजीली हमारे हैंड पे। तो ये जो मटेरियल जो कंप्राइज हो रहे हैं, इजीली स्क्रैच हो रहे हैं हमारे हैंड पे, तो उसे हम बोलेंगे सॉफ्ट। और कोई मटेरियल्स नहीं हो रहे हमारे हैंड पे, कंप्राइजेस नहीं हो रहे, तो उसे हम बोलेंगे हार्ड। जैसे एग्जांपल में कॉटन, कॉटन सॉफ्ट है बट जो आयरन है वो हार्ड है। अपीयरेंस में जो मटेरियल्स है वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज में है, जैसे इलास्टिक, हार्डनेस, ये भी रफ और स्मूथ है। क्या आप सोच सकते हो कि दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्क्राइब कर सकते हैं जो अपीयरेंस के बारे में और मटेरियल्स में? सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो एक्टिविटी 4 है, कलेक्ट, आपको कलेक्ट करने कोई सैंपल जैसे सब्सटेंसेस लेने हैं, शुगर, सॉल्ट, चॉपर, सॉडस्ट, 5 ग्लास ले लो या बीकर्स है तो बीकर्स लो। तो उसमें टू थर्ड आपको क्या डालना है, वाटर डालना है और स्मॉल अमाउंट में स्पूनफुल, एक स्पून भर के शुगर डालना है फर्स्ट ग्लास में। तो सॉल्ट सिमिलरली सेकंड में डालना है। तो जैसे वो आप हिलाओगे, उसे स्टिर करोगे दूसरे ग्लास में स्पून से, तो आपको वेट करना है 5 और 10 मिनट्स के लिए। आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे जो सब्सटेंसेस है वो एडेड है वाटर में, आपके ऑब्जर्वेशन शो किए गए 4.3 में। तो आप नोटिस करोगे कुछ सब्सटेंसेस है वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गए हैं और कोई डिजॉल्व हो गए हैं वाटर में। तो आप ऐसे ही बोलते हो सब्सटेंसेस है वो सॉल्युबल है वाटर में, और जो सब्सटेंसेस वो मिक्स नहीं हो रहे वाटर में, वो डिसअपीयर नहीं हो रहे स्टिर होने के बाद भी, तो लॉन्ग टाइम तक। तो ये सब्सटेंसेस को बोलेंगे इनसॉल्युबल वाटर में। तो वाटर प्लेस ए रोल, इम्पॉर्टेंट रोल फंक्शनिंग हमारे बॉडी की, क्योंकि वो डिजॉल्व करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो हमारे हैं। क्या लिक्विड भी डिजॉल्व होता है वाटर में? यस, लिक्विड ही वाटर जैसा हो, वाटर ही एक लिक्विड है तो वाटर डिजॉल्व होगा। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट में कि कैसा लगा। आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड बाय बाय।